अंकिता लोखंडे और विकी जैन बिग बॉस सीजन 17 का हिस्सा होने वाले हैं। अंकिता लोखंडे और विकी जैन की जिंदगी का एक मोड़ ऐसा भी है जो अंकिता और विकी का पीछा नहीं छोड़ता है। एक ऐसा किस्सा जो अंकिता और विकी के साथ साथ चलता है, किस्सा अंकिता और सुशांत के ब्रेकअप का। कभी तो विकी जैन को अंकिता और सुशांत के बीच आने पर ब्लेम किया जाता है, तो कभी अंकिता लोखंडे को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता तोड़ लेने पर। लेकिन अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत ने खुद अंकिता से अपने रास्तों को अलग किया था, और इस बात का खुलासा अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में किया था। अंकिता लोखंडे ने खुलकर सुशांत के उन फैंस पर बात की थी जो अंकिता को रिश्ता टूटने के सालों बाद भी गाली देते हैं। अंकिता लोखंडे ने कहा कि आज लोग मुझको आकर बोल रहे हैं, तुमने छोड़ा सुशांत को। एक्ट्रेस ने कहा, तुम्हें कैसे पता मेरी चीजें। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि सुशांत ने अपनी चीजों को पहले ही बहुत क्लियर कर दिया था। सुशांत अपना करियर बनाना चाहता था, वो अपने करियर के साथ आगे बढ़ना चाहता था। सुशांत ने अपने करियर को चुना और वो मूव ऑन कर गया। मैं जानती हूँ कि 2 से 2.5 साल मैं कितना तड़पी हूँ, मैंने क्या क्या झेला है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं थी कि मैं जाकर काम कर सकूं। मैं ऐसी लड़की हूं ही नहीं जो आसानी से मूव ऑन कर ले और काम पर चली जाए। मैंने 2.5 साल तक कोई काम नहीं किया, मेरे लिए वो सब बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहा। मैं खत्म हो गई थी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी। मैं ही जानती हूँ कि मैंने उन 2.5 सालों को कैसे जिया है, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। उसने हमेशा से अपनी प्रायोरिटीज को अलग रखा, उसकी इच्छाएं अलग थी, मगर मैं तो प्यार चाहती थी, इमोशंस चाहती थी। मैंने सुशांत को पूरा हक दिया कि वो अपनी लाइफ के फैसले खुद करे, लेकिन फिर मैं भी बहुत सी चीजों से गुजर रही थी। जब मैं इन 2.5 सालों के बाद इस फेज से बाहर आई, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आई, और वो मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। अंकिता ने कहा कि मैं उन 2.5 सालों में ना तो किसी से ठीक से बात कर पाती थी और ना ही अपने बिस्तर से उठती थी, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। अंकिता ने कहा कि उस वक्त आपके दिमाग में बहुत सी चीजें आती हैं कि मैं क्या करूं, क्या अपनी जिंदगी खत्म कर दूं, क्या अपने आप की जान ले लूं। अंकिता ने कहा कि लेकिन मैं उन थॉट्स से बाहर निकली, मैंने खुद को संभाला। एक्ट्रेस ने कहा कि प्लीज मुझे गालियां देना, मुझे ब्लेम करना बंद करो, तुम्हें मेरी तरफ की कहानी नहीं पता है। जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती मैं उन्हें फॉलो नहीं करती, लेकिन मैं दूसरों के अकाउंट पर जाकर उनको गालियां नहीं देती। एक्ट्रेस ने कहा कि नेगेटिविटी से मुझे इफेक्ट होता है, मेरे मम्मी पापा को अफेक्ट होता है जो बहुत सेंसिटिव हैं। उनके लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि लोग ऐसे गालियां क्यों देते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। एक्ट्रेस ने कहा सबकी अपनी अपनी मोटिव्स होती हैं लाइफ में। सुशांत हमेशा से तरक्की करना चाहता था और वो उसने की भी, वो चला गया अपने रास्ते। उसके लिए मैं कहाँ गलत साबित होती हूँ, मुझे क्यों गालियां दी जाती हैं, मैंने क्या गलत किया है। एक्ट्रेस ने कहा कि आप लोग मेरी कहानी नहीं जानते, इसलिए मुझे ब्लेम करना बंद कीजिए, बहुत तकलीफ होती है। जी हाँ, ये कहकर अंकिता ने अपने ब्रेकअप पर सफाई दी थी। अंकिता ने बताया था कि वो सुशांत थे जिन्हें अपने बॉलीवुड करियर को आगे ले जाना था। सुशांत शादी करना नहीं चाहते थे, सुशांत घर बसाना नहीं चाहते थे, जबकि अंकिता सेटल होना चाहती थी। यही वजह थी कि सुशांत ने अंकिता से अपने रास्ते अलग कर लिए, ताकि उनकी पर्सनल लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ना आए। इसी के बाद अंकिता डिप्रेशन में चली गई थी। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।